तो अभी हमने मंगवाया नारियल का पानी, पीने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था, ये रहा। और इसमें प्राइस बता रहे हैं, कोई 250 का है, कोई 300 का है और कोई 200 का है। देखो जो सबसे छोटा वाला है ना वो 200 का है, और सबसे जो बड़ा वाला है वो कितने का था? बड़ा 400 का है। अच्छा, 300 का है, 250 का है, 200 का है। 200 वाले वो बिल्कुल इतना सा है, उसमें पानी क्या निकलेगा, 2-3 घूंट निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम निकले थे अपने केस के सिलसिले में, जो कि हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अभी बहुत हम करीब पहुंच चुके हैं। तो बस वहां से निकलते फिर शूट नहीं किया, फिर वहां आपको पता है कि कोर्ट में और इधर उधर वहां पर वीडियोस और ये सब कुछ भी अलाउ नहीं होता। तो जैसे हमारा वहां से काम कंप्लीट हुए बाहर निकले हैं, तो बस यहां पर हमें ये नारियल दिख गया, ये नारियल का पानी। तो थैंक यू। ये क्या दिलबर मुझे ये ऑरेंज दे कर गए, और तुम्हारा ग्रीन है? ग्रीन है। तुम्हारा ग्रीन है, देखो फुल ऑरेंज दे के गया। मेरा जो ऑरेंज वाला है ना, मुझे लगता है इसका ज्यादा मजे का टेस्ट है। अभी तो इसके अंदर से जल के मलाई निकालेंगे। हाँ, इसका तो अभी वो भी, इसमें नारियल भी निकलेगा, कच्चा कच्चा जो वो भी निकाल, वो नारियल होता है। इतना जल्दी, इतना मजे का होता है ना, इतना जल्दी खत्म हो जाता है। बस इसके अंदर ये जो कोकोनट होता है ना, सॉफ्ट वाला, ये बहुत मजे का होता है। अभी घर जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये निकाल। रिक्शे वालों की ना अपनी ही दुनिया होती है। अभी देखो इसने इतना फुल आवाज में वो साकी साकी चलाया हुआ है ना, सबको एंटरटेन करके जा रहा है। अपनी दुनिया में घूमे। गाना तो सुनो, कहते हम पे हंसने वाले, पहले खुद तो हंसी सीख ले। क्या एक तो म्यूजिक और एक जो पीछे ये लाइनें लिखते हैं ना, ये इनकी बड़ी मशहूर होती हैं। अब क्या लिखा है, वजन की परवाह नहीं, डॉलर की तलाश। अभी ये तो कुछ नहीं, इससे बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं, ये पूरी शायर शायरी लिखते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच गए। इतना लंबा रास्ता है ना वहां तक जाने का। बीबी सबसे पहले उठ के आए, मम्मा की जान। पहले मैं आपको ये वाला अपना रूम दिखाती हूँ, यहाँ से आप चेक करो कि हवा कैसी आ रही। ओ, कैंगरू आ गया आयत का, आयत का कैंगरू आ गया। यहाँ से ऐसी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर देखें फैन भी ऑन नहीं है, ना ही यहाँ पर एसी की जरूरत पड़ती है। इस रूम में बहुत ठंडी हवा होती है। ये मुस्तफ़ा का रूम है, गेस्ट रूम भी है, सब यूज़ करते हैं इसको। चलो बहुत बहुत शुक्रिया दिलबर आपका हमारे साथ जाने के लिए। यहाँ पर अभी सब इनकी फैमिली जाने लगी हैं, फिर रात को तो आ जाओगे ना? बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो खिलाऊंगी, सर सी बात है। मेरे बच्चों के साथ पीछे बैठी रहे, अभी सब जा रहे हैं। और हाँ, और अबू भी हमारे छुट्टी पर गए हुए थे, अब वापस आ गए। अभी दिल लगा था वहाँ पर? अच्छा, अभी हाँ दुआ के साथ चाचू का दिल लगता है, दुआ इधर थी और चाचू उधर चले गए। अच्छा, ये पता क्या करती है, उनके बीच में जाके उनको हंसाती है ना, यही करती है ना? यही करती है, जब फिर हमें हंसी। अच्छा, ये सही इसने काम किया, ये हंसा। देखो अब व्लॉगिंग इसकी शुरू हो गई है। अब जाओ, मम्मा ने इस रूम में पकड़ा हुआ है, जाओ शाबाश। तो ये रहा आयत का फर्स्ट व्लॉग, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई व्लॉगिंग स्टार्ट। देखो अपना फेस, देखो कैसे घुमा के चेक कर रही है। स्माइल चेक करो, व्लॉग में स्माइल चेक करो, स्माइल तो देखो। फेस के एक्सप्रेशन चेक करे इसकी, ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। देखो अब देखो सीरियस हो गई है। तो आज मामा के बेबी ने मुझे मिस किया, मामा के बेबी ने मिस किया था नहीं। अच्छा, मैं जैसे ही आई ना, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, क्योंकि अच्छा खासा लंबा सफ़र करके गए थे और बगैर नाश्ते के गए। आई हूँ, फिर मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, तो अभी कारी साहब आ गए हैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। तो इसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये बहुत तंग करती है जब कारी साहब आते हैं। तैयबा मुस्तफ़ा कहते हैं, मम्मा इसको मत आने दिया करें प्लीज़, ये बहुत तंग करती है। मैंने ना रूम में कैद किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। अभी जो ना घर का सारा जितना भी राशन है मैं वहाँ से ऑर्डर करूँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है और इतनी ज़्यादा खुशी है। मैं ऑर्डर करके खड़ी हूँ और 45 मिनट का टाइम दिया था, अभी 10 से 15 मिनट बता रहे हैं कि आ जाएंगे। मेरे घर पे आटा ख़त्म था, अच्छा खासा राशन नहीं था, वो मैंने ऑर्डर किया। इसके अलावा मैंने सब्ज़ी ऑर्डर की, किचन वाइप्स थे और वो मैंने मंगाए, टिशू बॉक्स ख़त्म हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर किया। बस अभी कुछ ही देर में आ जाएंगी, क्योंकि मेरा एक फ़र्स्ट ऑर्डर किया था आइसक्रीम का, और अभी सेकेंड ऑर्डर है कि सब्जी, और हाँ बच्चों के लिए सिवाइयाँ भी मैंने ऑर्डर की हैं, दूध भी ऑर्डर किए कि ये सब बच्चों को मीठे में सिवाइयाँ बना दूंगी।
तो बच्चे यहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे हैं और आयत मुझे लगता है पहुँच गई है, आयत फिर से पहुँच गई है। छोड़ रही हूँ, फिर पढ़ो पढ़ो। और यहाँ से मैं कब की खड़ी हूँ, रहा देख रही हूँ कि कब हमारी डिलीवरी होगी, कब आएगा हमारे घर का राशन, कब आएगी हमारी सब्जी। तो मामा इधर राइडर को देख रही है, आपने जाना है नीचे से सामान लेकर आना है, बस अभी उनका टाइम हो गया, आते ही होंगे। उनको देख के ना मुझे भी चॉकलेट खाने का दिल कर रहा था, और ये फ्रिज में पड़ी थी फुल ठंडी हुई। आपको भी चॉकलेट चाहिए, रो ये लो, ये रही ये रही ये रही ये लो, यही चॉकलेट चाहिए थी, खोल भी दूं। तो ये फाइनली हमारा सामान देकर अभी जा रहे हैं, मुस्तफ़ा ऊपर लेकर आता ही होगा। चाचू को भी मैंने बोला कि साथ चले जाएं सामान उठवा लें, फिर मुस्तफ़ा सामान जो है ना हमारा यहाँ तक तो ले आया है। थैंक यू मम्मा की जान। फिर नीचे भी पड़ी है, एक नीचे भी है जी, पेमेंट कर दिए उनको। तो ये आ गया हमारा सारा सामान, साथ में मैंने आज ये पोछा घर के लिए मंगाया, क्योंकि हमारा पहले वाला बहुत ख़राब हो गया है, और ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने अभी इसको यूज़ तो नहीं किया पहले, क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ एक ऐसे हैंडल वाला था। साथ में इसके ये बकेट भी आई है, तब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी। अभी खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये पोछा है, चाचू अभी देख रहे हैं कि ये कैसा है। ये चाचू, इसके साथ ये बाल्टी है पूरी बनी हुई, इसके अंदर सर्फ सारा सारा कुछ इसमें डाल के बना के फिर लगाएंगे। निकालते हैं ना, ये देखें, ये इस तरह का है। हाँ अच्छा है ना, ये यूज़ करें तो पता चलेगा ये कैसा है। ये दो दिए मैंने, दो दिए हाँ, अगर एक ख़राब हो भी जाता है तो साथ में एक एक्स्ट्रा से ये भी दिए। कितना सॉफ्ट, अच्छा लग रहा है। तो चाचू अभी जो है ना इसको सेट करके मुझे दे रहे हैं, बना रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे बनता है। ये जितना होगा, ये इसका वो है कि यहाँ से ना बड़ा छोटा होगा साइज, बस इस तरीके का है। कोशिश कर रहे हैं समझने की इसको। तो शुक्र है इतनी देर मेहनत करने के बाद चाचू ने देखें आखिर इसको सेट कर ही दिया है। ये मुश्किल से ऊपर वाला हैंडल भी फिक्स नहीं आ रहा था, और ये जो नीचे का ये भी फिक्स नहीं आ रहा था। अभी फर्स्ट टाइम हम इसे ट्राई करेंगे, लगाएंगे कि ये कैसा है। फिलहाल इसको साइड पे करते हैं। तो ये टिश्यू के बॉक्स थे कुछ, बाकी ये किचन के वाइप्स थे, और इसके अलावा ये किचन रोल भी मैंने साथ में मंगाया था। ये भी छोटा आया है, बिल्कुल बड़ा नहीं है ये। और ये भी एक क्लीनिंग के लिए था, वैसे ये दो तीन थे मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, ये भी देखें एक ही आया है। चलो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो आइडिया होता जा रहा है कि कैसे ऑर्डर करते हैं। और ये भी था मॉप। तो मतलब कि ना अगर पोछा भी लगाना था घर की साफ सफाई के लिए, तो क्लीनिंग के लिए तो सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई थी, डेटॉल ख़त्म हो गया था। और ये मैंने बच्चों के लिए मिल्क मंगाया है, कि इनकी जो है मैं इनको अभी सिवैयाँ बनाकर दूंगी मीठे में। और इसके अलावा ये रहे बच्चों के नगेट्स, कितनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है ना कि घर पर सब कुछ अभी मिल जाता है, पहला एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चों के लिए मैंने सिवैयाँ लिए, रंग बिरंगी तरीका सिवैयाँ किया बना के दे। हाँ अभी मैं आपको बना कर दूंगी सिवैयाँ। और ये हमारे बनाना हो गए आयत के लिए, आयत को बनाना बहुत पसंद है जी। हाँ मैं आपको ये बना दूंगी, तैयबा की ना ये मोस्ट फेवरेट है। तो बाकी इसके अलावा ये रही हमारी सब्जी, देखें अच्छे से पैक करके बना के कैसे घर पर देखे जाते हैं। हरी मिर्ची, वो आटा है, हाँ आटा है वो रख दो। और ये प्याज हो गए, और ये टमाटर आ गए, ये बनाना हो गए, और सब्जी में आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। और देखें बिल्कुल वॉश और फ्रेश सब्जी है सारी। तो ये थोड़ा बहुत सामान था जो मैंने मंगाया, इस पर भी अच्छा खासा वैसे टाइम लग गया है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा पोछा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ऐसा ही एक स्टैंड वाला था यूज़ कर करके। तो अब ये है कि ये अच्छा है, साथ में इसकी ये बकेट भी है और इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आयत का, आयत को बनाना खिलाते हैं। आयत हमारी ये बैठी है बनाना, आयत का इतनी ज़्यादा खुश है बनाना को देख के। ये चीज़ भी आयत को डेली फ्रेश मिला करेगी, छोगी बनाना को देख के। यहाँ के मौसम को एंजॉय करते हुए, साथ में अपने कार्टून देखते हुए आराम से बैठी हुई है। आज तो सारे बनाना खा रहे हैं, वैसे घर में इनके पापा जब फ्रूट लाते हैं ना तब इनको पता ही नहीं होता कि घर पे कुछ पड़ा है, खा लें। आज इतने दिनों बाद मिले ना तो आज सब शौक से खा रहे हैं। और भी यहाँ पे मम्मा टमाटर काट रही हैं, पता नहीं आज क्या सब बन रहा है। चाची को भी मैं बोल रही थी, उस दिन मैंने सब्जी मंगाई थी तो मैं कह रही थी कि चाची को लूट ली है, सही सब्जी नहीं दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो आज उन्होंने ऑनलाइन ली वो बिल्कुल हमें अच्छा मिला है। मैं सोच रही हूँ इनको वॉश करके ना सिवैयाँ। आज मम्मा आप सबकी पसंद की सिवैयाँ बनाने लगी है सब्जी के साथ, जो कि इतने दिनों से वैसे कह रहे थे। मैं सोच रही थी किसको बोलूं जी। स्पैगेटी बनाओ, अभी स्पैगेटी बनाओ, अभी मैंने सारे मसाले कट किए हुए हैं।
अलावा मैंने आज निकाले अपने न्यू वाले बर्तन की आज हम इसमें कुकिंग करेंगे। काफ़ी टाइम से पड़े हैं और पता नहीं मैं इनको और कितना संभाल के रखूँगी, तो लाइफ का कोई पता ही नहीं है। जितना टाइम हम हैं कम से कम हम अपने जो अपने लिए कुछ चीज़ें लेते हैं उनको यूज़ तो कम से कम करें। तो इसमें मैं अपना सालन तैयार करूँगी और इसमें बच्चों के लिए सिवैयाँ बनाएंगे। और जब तक हमारी ये भी होगी जी, और डीडी भाई नहीं चाहे हो कहने गाड़ी की चाबी दो और आप भी तैयार हो जाओ। क्यों आप कौन मुझे? अच्छा आप नहीं जान, भिंडी की खुशबू आई थी, भिंडी बन रही है। हाँ भिंडी हमने वो जो कल आपने ऐप नहीं बताई थी वहाँ से ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया है। बहुत सारे मसाले भी ऑर्डर किए हैं और बच्चों के लिए भी सिवैयाँ बना रही थी, दूध भी सिवैयाँ भी सब कुछ। हाँ हाँ रंगीन सिवैयाँ वही रंग बिरंगी ऑर्डर किए हैं। पता ही नहीं था ये कल बता के गई है, मैं तो अभी लिस्ट बना रही थी। गाड़ी की चाबी दे दे, गाड़ी की चाबी अच्छा दे। और अभी हमारे मेहमान भी आ गए हैं तो खाना जो है ना जल्दी से अब तैयार करते हैं। सालन हमारा देखें रेडी हो भी गया, बस 5 मिनट इसको और फ्राई करना है। यहाँ पर जो है ना अभी साथ में सिवैयों को तैयार कर लेती हूँ। इस सालन पे वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो जल्दी से आप सिवैयाँ बना लेते हैं ताकि ये ठंडी हो। कब से मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सिवैयाँ को रखूँ। सालन अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया, दूध के साथ साथ बॉयल हो गया है तो सिवैयाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये दूसरा पैकेट, दो पैकेट मैं बनाने लगी हूँ ताकि सबको पूरी हो जाए। बनाते हुए ना मुझे मेरे वो पुराने घर की वो यादें ताज़ा हो रही हैं। पुराने घर में ये बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी उस टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ पास होती थी तो मेरा डेली का बस वीडियो का कोई काम होता नहीं था। मैं तब व्लॉगिंग करती नहीं थी तो बच्चों के लिए चीज़ें बनाया करती थी। चीनी का भी जो है ना आज हमारा ये लास्ट पैकेट था चीनी। खैर मैंने आज अपने ये राशन में नहीं मंगाई थी, मुझे लगा शायद पड़ी होगी चीनी का। चलो ये है कि चल जाएगी, आज फिलहाल सिवैयाँ बनी है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें आज बच गई हैं ना वो फिर मैं नोट कर लेती हूँ और फिर वो कल हम अपना जो है ना दोबारा से ऑर्डर कर लेंगे। इलायची के ऊपर जो इसका छिलका था ना वो देखिए मैंने रिमूव कर दिया है, तो इसके अंदर ये जो बीज होता है जिसमें ज़्यादा खुशबू भी होती है, तो अभी इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छे से जो है ना पीस लिया है, वरना अभी फातिमा ने आ जाना कि वो अपनी बेबी को सुला कर आई है। देखें बिल्कुल पाउडर बन गया है और इसका बहुत ज़्यादा शोर होता है इसको कूटने से। बस अभी हमारी सिवैयाँ भी तैयार हो गई हैं, अब इनसे जो है ना मजीद हमारी सिवैयों में ना खुशबू एक अलग से जायका आएगा। हल्का जो है ना मैंने इसमें दूध छोड़ दिया कि जैसे ये ठंडी होंगी ना तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। अच्छा बच्चों से जो है ना सबर ही नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें निकाल लिया कि इसमें थोड़ा ठंडी भी हो जाए कुछ। मैंने बच्चों के लिए इसमें छोटे छोटे इनमें बॉल में निकाल लिए हैं, यहाँ से मैंने निकाल लिया। इसमें तो अगर पड़ा रहता ना 1 घंटे तक भी ठंडा नहीं होता, इसमें अब जल्दी होगा। और इसके अलावा जो है ना ऊपर का फ़ैन भी ऑन कर देते हैं तो ये जल्दी से जाना ठंडी हो जाएंगी। अच्छा डीडी भाई गए थे गाड़ी खड़ी करने, अभी तक नहीं गए? अच्छा शायद कोई सामान लेने गए थे, पता नहीं क्या है, कैसे आए हैं, क्या लेकर आए हैं, कोई पता नहीं। हाँ हाँ खोल रही हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छे सारे बच्चे पता नहीं कहाँ गए थे, इतनी सारी शॉपिंग करके आ रहे हैं और पता नहीं किस खुशी में। यहाँ पर कराची में चेक करें मौसम कितना, वैसे तो खैर हर जगह पर चेंज हो गया होगा। ये देखिए ऊपर से ये पूरी ऊपर गाड़ी की जो छत है ना हल्की हल्की गीली हो रही है। ये कहाँ गए थे आप? हम लोग इतिहास गए थे। तो इतनी सारी शॉपिंग दिलाई है सारा सामान डीडी भाई ने दिलाया, किस खुशी में इतने सारे टॉयज, किस खुशी में? हाँ क्या ये वाह देवी इतनी प्यारी डॉल है आपकी, आप लाई हो? वाह क्या हुआ है, किस खुशी में, क्या बात है, ये किस खुशी में इतना सारा सामान है? दीदी भाई ने बोला मैं इनसे प्रॉमिस किया था उसी की खुशी में। अल्लाह इतना, ये तो एकदम से सरप्राइज मिला है, बच्चे तो खुश हो गए, बच्चों की ईद हो गई है, वाह। तैयबा की भी बहुत प्यारी है फ्रोजन, और ये हो गई तैयबा आपकी भी बहुत प्यारी है, फादिया की भी बहुत प्यारी है, बच्चों की तो आज ईद हो गई। ये बॉल किसकी है? मेरी बॉल भी आपकी है, कितने खिलौने आएंगे पता नहीं है, कितने वो तो दिल पर होगा। चाबी मीर के भी खिलौने आए हैं, अरे वाह मीर आपके भी खिलौने आ गए, हैरान हो गई कि इतने सारे खिलौने एकदम से क्या आ गए। अच्छा लगता है कोई डीडी भाई की लॉटरी लगी है। मैंने प्रॉमिस किया था, क्या
पिगी बैग है वो क्या होता है? वो जिसके अंदर पैसे जमा रख के लोग। अच्छा अच्छा, ये चलो ये अच्छा हुआ मुझे बता दिया। तो इसमें जो है ना इसमें पैसे जमा करेंगे। हाँ देखो पैसे कैसे निकल के बाहर आ रहे हैं। पासवर्ड भी लगी हुई। वाह अब देखो ना ये समझ आई, ये तो डोरेमोन की एटीएम मशीन है। हाँ ये बताओ ना डोरेमोन की एटीएम मशीन ये किसकी है डॉल्स? ये आयत की। अच्छा आयत भी नहीं भूले, आयत साथ में नहीं गई थी, आयत सो रही है। लेकिन देखो डीडी भाई जो है ना उसे भी नहीं भूला, आयत को भी नहीं भूला, आयत के लिए भी लेकर आया, सबके लिए लेकर आया। एल्सा है, इसका नाम एल्सा है। हाँ अच्छा, तो ये एल्सा लाई है। एल्सा के बाल भी बड़े हैं, पीछे होंगे इसके, जब खोलोगे ना इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पर देखो बॉल कराते हैं, देखते हैं हमजा को आती है बैटिंग। वाओ हमजा तो देखो ये तैयबा के बॉल कराने का स्टाइल, ये छक्का लगा दिया एक ही दफा में। ये छोटा सा सचिन तेंदुलकर शौक होता है लड़कियों को, ऐसे गुड़िया लेनी होती है और लड़कों का बैट बॉल। ये बैट थोड़ा सा छोटा, तो इसको हल्के कर देते। अच्छा छोटा नहीं बोलते हल्के, मुझे भारी बैठ जाएगी। ये देखो काम देखो, वो गुड़िया भी इसके जितने हमजा के जितना। वैसे सारे जो है ना हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है, बस अभी दस्तरखान लगाते हैं। और डीडी भाई ने तो आज बच्चों को इतने ज्यादा खिलौने ले दिए, बच्चे तो खैर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। अब चलते हैं। सिवैया मैंने ऊपर फ्रिज में रख दी थी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, सबको भूख भी लग रही है। और इनको मैंने कॉल करके रोटी मंगा ली थी क्योंकि इनको बहुत भूख लग रही थी, और फिर पकते पकते टाइम लग जाना था। ऊपर से हमारे गैस भी अभी जा चुका है, गैस का टाइम हो चुका है। यहाँ पर हमारा दस्तरखान लग चुका है। जाओ ऊपर से बुला कराओ, बाबर को बुला के सब बच्चों को बुला कराओ, जाओ भाग के जाओ। हाँ सबको बोलो खाना रेडी। हाँ दुआ हमला कर रही थी यहाँ पर, खाने पे हमला हो रहा था, देख लिया मैंने देख लिया। तो ये आ गए इनके पापा। और इतने सारे खिलौने क्यों लेकर दिए पहले तो ये बताओ, किस खुशी में? कोई वैसे ही मेरा दिल कर रहा था आज एकदम से इतने ज्यादा। मैं खुद लेके गया तो सबने बोला मैं गिफ्ट लेके गया। बस ये अच्छा किया, ये सही बिल बनवा कर आए होंगे आज। वो तो जब बिल की बात पता चला ना, पता चला ना, ये दोबारा नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि बच्चों को तो याद ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये डेली की बाबर की आदत बन गई। यहाँ से इस गेट से इसकी एंट्री हो रही होती, आ रहा होता है क्रिकेट। आज कौन सा T20 चल रहा है? मैच चल रहा है इनका दो तीन दिन से। सब बच्चे हैंड वॉश करके आ जाओ। तो माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर जमा है। ये ले लो ठंडी ठंडी मजेदार सिवैया। हाँ सिवैया भी बनाई थी ना। तो चाय वाले जो हमारे प्याले हैं इतने ज्यादा खूबसूरत हैं, आज सिवैया भी इसी में ही खाएंगे। बाबर बाबर जल्दी से ये भी पकड़ लो, ये गिर ना जाए। आज चाय नहीं मिलेगी, आज सिवैया खाने को मिलेंगी। बाबर क्या इधर सोएगा? अच्छा बाबर इधर सोएगा। अच्छा तुमने बोला था ना इसलिए। अबू को छुट्टी चाहिए, समझा करो, कुछ जाना चाहते हैं आज इस वजह से। हाँ चलो आज भी डीडी भाई की फैमिली। नींद तो अच्छी आई, एसी चलाने की जरूरत नहीं थी, खिड़कियाँ खुली थी ना। हाँ इतना ठंडा करे, मैं फिर गया उस खिड़की बाहर करके पर्दा लगा के, मैंने कहा बाबा ना। ये ब्लू वाला जो हमारा कमरा है ना ये मशहूर है, चाचू सोते हैं ना, चाचू से पूछो कैसी ठंडी हवा। मैंने कंबल पहना फिर भी सर, फिर मैं जाके खिड़की बंद कर। हाँ ये हमारा कमरा वैसे मशहूर है ठंडी हवा लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ इसमें एसी कभी हम लगवाएंगे नहीं। मुझे ये थोड़ी सी ये दे देना सिवैया, जो चीज जिसके पास पड़ी होती है ना वही सर्व करता है। बहुत शुक्रिया। छुप रही है अभी, जब हम खाना खा रहे थे ना तो एकदम से इसकी आवाज आई है रोने की। यहाँ पे मैंने एसी ऑन करके इसको ब्लैंकेट में यहाँ सुला दिया था, इसको नींद आ गई थी। अभी मैंने इसको सिवैया खिलाई ना तो इसका टमी फुल हो। आज चुप गई माओ मम्मा का, चुप गया आज। अच्छा वो तो बता दो, वेयर इज डैडी, वेयर इज डैडी, बताओ वेयर इज डैडी। शरारती चिरारती चिरारती। देखो तैयबा की डॉल, तो देखो कितनी प्यारी डॉल है आयत। कहाँ से दिखाओ, ये निकल भी गया पीछे से। नहीं, ये लगाना भूल गए। अच्छा दैवा बता रही है कि ये लगाना पीछे भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मम्मा सिलाई लगा देगी। अच्छा आपने नोट किया दैवा, आयत आई है तो आपकी डोल नहीं इसने छीनी, वरना हर चीज छीन लेती है, अपना खेलने बैठ गई है। उसका भी दो गिफ्ट, वरना रहने दो बस हर चीज खोल कैसे फेंक देती है। डोल ने देखो जूते भी पहने, निकल जाते हैं क्या? अरे हाँ इसके तो पूरे जूते बने हुए अलग से। ये देखो ये देखो ये नोट किए, आ रही आ रही आपकी डॉल के पीछे। देखो ये मीर को लेकर जाने का तरीका है, बाय बाय मीर, बाय बाय। वो खुश हो रहा है। क्लोज टू डियर सितारा,
ये निदा एंड महक अमाल बिजनेस। अच्छा तो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और बहुत ही खूबसूरत सी मुझे ड्रेस भिजवाई है जो कि अभी और ये सितारा तब पहनेगी जब साजिद भाई आएंगे और गजरे मेरी तरफ से फ्री होंगे दोनों हाथों के। रात की उन्होंने टिकट कराई और सुबह पहुँचेंगे दो दिन बाद, तो एक दिन सुबह सुबह उठ जाना, मैं गजरे रात को लेके दे के चली जाऊंगी। नहीं ये रात को रेडी रखना, गजरे भी मैं रात को दे जाऊंगी। हाँ 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 गजरे मैं दे जाऊंगी पक्का ये ना फिर मेरे गजरों के पैसे ऐसे ही जाएं। हाँ फिर ये निदा एंड मैक ये पहन के दिखाएंगी दो तीन चार दिन बाद। आपकी मैं तब करूंगी जिस दिन मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनूंगी। अच्छा जैसे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की है बच्चों को इतनी जल्दी थी, वो सारे देखे वो सारे बॉक्सेस सब कुछ निकाल के वहीं फेंक दे रहे गेट में। हाँ दुआ आप नहीं जा रही क्या, आप और आपकी मम्मा अभी हमारे साथ दो दिन रहोगे। ये तो बिल्कुल आयत के जितनी, ये देखो बल्कि आयत से भी थोड़ी सी बड़ी है ये डॉल पूरी इसके जितनी है। ब्रश कर रही है के ब्रश से, वो भी डॉल के ब्रश से जो आज तैयबा अपनी डॉल लाई है ना आयत के जितनी जो डॉल है उसी से आयत से थोड़ी बड़ी है। नहीं खेल रही छोड़ दो इसको। तो मम्मा ने ये पेनाडोल की टैबलेट्स कही थी कि मुझे दे दो मेरे सर में दर्द है। मम्मा भी यहाँ पे आयत को डायपर पहना रही है। हाँ जी आज मम्मा को बहुत तेज बुखार है तो इस वजह से तो फिलहाल यहाँ मम्मा के सर में दर्द है। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैं खुद आज जब डीडी भाई हमें इम्तियाज लेके गए थे गिफ्ट लेके देने के लिए तो मैंने वहाँ से ली थी ब्लेजिन मैगी, तो वो इधर पड़ी हुई है अंदर। और ये है ब्लेजिन मैगी जो कि आज मैं बनाने वाला हूँ और मुझे नो आइडिया कैसे बनती है लेकिन मैगी लिखा हुआ है तो मैगी की तरह ही बनती होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आज भिंडी का सैल बना था तो उसकी कटोरी यहीं पे पड़ी हुई है तो इसको हटाते हैं, बर्तन उठा लेते हैं। चलो पहले इसके अंदर साफ कर देते हैं क्योंकि साफ नहीं लग रही, धो देते हैं पहले। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले घी डाल लेते हैं तो बस इतना ठीक है, दूसरे के लिए भी बचाना है। ये नहीं तो मैं भूल गया था कि रात के टाइम गैस नहीं होता एंड गैस है उस वाले चूल्हे पे लेकिन उधर चाय चढ़ गई। चाय हम सब ने पी लिया, फातिमा ने हम सब के लिए चाय बनाई थी। आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जैसे मेरी तबीयत का सोना है तो ब्लॉग भी आज मामा को बना के दे रहे हैं। रोज डेली पक्का मामा ब्लॉगिंग छोड़ दे मुस्तफा शुरू करेगा। तो बस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी पता है इसने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, जब मैं अंदर लेटी हुई थी मैंने इसको कहा कि मामा का थोड़ा सर दबा दो, इसने मेरा सर दबाया। उसके बाद फिर मैंने इसे टैबलेट का भी बोला कि टैबलेट लेकर आओ। मैं से ये बता रही थी आपने मम्मा का कभी थैंक यू बोला, आपको पता है कि मैं दिन रात वीडियोस बनाती हूँ, रात को मैं सोती नहीं हूँ, आप सबके लिए ये सब करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो कम से कम मेरी आप हेल्प कर दिया करो। हेल्प में क्या होता है कि मैं इसको कभी कभी बुलाती हूँ ना तो ये इधर उधर भाग जाता है अपने खेलने में, अपनी गेमिंग में या फिर क्रिकेट अपने गेम में इधर उधर होता है तो फिर बात आता है वैसे मेरी हेल्प कराता है, लेकिन बहुत बार ऐसे इग्नोर करके भाग जाता है। तो अभी जब मैंने इसको बोला तो मुस्तफ़ा आपको पता है कि मेरी ऐसी तबीयत होती है और मैं फिर भी आप सब के लिए कर रही हूँ तो ये उसको ना ये चीज़ फ़ौरन रियलाइज़ हुई और मुझसे मोबाइल पकड़ के फ़ौरन भाग पड़ा, अभी मैं आपको ब्लॉग शूट करके दूंगा। मैंने कहा आज तो ब्लॉग हो गया है अब इंशाल्लाह, फिर मतलब ये है कि अगर हम बच्चों के दिमाग में कोई बात डालें, मतलब थोड़ी सी भी डाल दें, उनको थोड़ा सा एक अपना एहसास दिलाएं कि आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं तो बच्चों को उस चीज़ का होता है। वरना अगर आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ दो वो अपने खेलने में गेमिंग में अपने इस चीज़ में बिज़ी रहना तो वो बिल्कुल इस चीज़ से दूर हो जाते हैं कि क्या चल रहा है घर में, क्या है क्या नहीं है इस तरीके का। तो मुझे अच्छा लगा कि मुस्तफ़ा ने फ़ौरन सुना कि मम्मा की तबीयत ऐसी है। अभी भी मैं इस तरीके से अपनी फुल एनर्जी से आपसे बात करती हूँ, इतना खुश हो के बात करती हूँ, वरना यकीन करें मेरे सर का दर्द आजकल इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं और फुल जैसे एकदम ऐसे सुन हो जाता है बहुत ज़्यादा दर्द के बाद। और टैबलेट्स मैं आखिर कितना और कब तक खाऊंगी तो मैं यही सोच रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड कुछ दिन तक आ जाएंगे, जैसे आएंगे तो किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाती हूँ, पता कराऊँ कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नया व्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ पर घर के सामने देखें गाड़ी खड़ी है और देखें इसकी छत,
कैसे पानी से फुल गीली हो चुकी है। तो अभी रातें इतनी ठंडी हो चुकी है ना कि मतलब बाहर अगर कोई सोता होगा ना तो उसका बिस्तर तो लाजिम ऐसे गीला हो जाता है। याद है इतने साल पहले जब हम गांव में रहते थे ना, वहां पर भी सेम यही होता था। अगर हम चारपाइयां बाहर रखते थे ना रात को ऐसे सोते थे, इन दिनों में जैसे कि आजकल अभी मौसम सर्दियों का स्टार्ट हो गया तो ऐसे ही हमारी चादरें और हमारी चारपाई ऐसे ही रात को गीली हो जाती थी। इतनी प्यारी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बाहर, ऐसे फ्रेश हवा आ रही है और इसके बाद दिल नहीं करता कि हम अंदर जाकर रूम में सोएं, दिल करता है ऐसे बाहर सहन में चारपाई लगाएं और ऐसे सो जाएं।